ये पार्लियामेंट सीरीज़ के लिए डिक्टेशन है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। श्रीमन, जिस पूज्य बापू ने हमारी राष्ट्रीयता की कल्पना की, जिसने स्वाधीनता दिलाई, जिसके रास्ते पर चलकर हमें यह गौरव प्राप्त हुआ कि देश स्वाधीन हुआ, जिसकी बातों को हम मानने के लिए सदैव जगत में ढिंढोरा पीटते रहे हैं, और आज जिसकी समाधि इस दिल्ली नगरी में हो, उसकी आत्मा यदि कहीं वह होगी तो हमारे भाषा संबंधी विवादों को सुनकर क्या कहती होगी, यह सोच कर मुझे गहरा क्षोभ होता है। हमने संविधान में उन सब बातों को समझकर ही हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया था, परंतु आज भी इन सदनों और सारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात का विवाद उठाते हैं कि कोई और भाषा हिंदी का स्थान ले सकती है। मैं उनसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे सारे देश में जहां कहीं धार्मिक विवाद होता है, वहां हम अपने अपने धर्म ग्रंथों की ओर देखते हैं। मुसलमान लोग कुरान की ओर देखते हैं, ईसाई लोग बाइबल की ओर देखते हैं, और हिंदू लोग वेदों और धर्मशास्त्रों में उसका हल देख सकते हैं। हम राष्ट्रीयता के पुजारी जिन्होंने बापू के कदमों के नीचे राष्ट्रीयता की दीक्षा ली है, यदि हम उनकी ओर आज नहीं देख सकते हैं, यदि आज हम उनके भाषणों को, लेखों को, जो हरिजन में, नवजीवन में और अनेक जगहों में यदि हम ढूंढें तो एक पोथा बन जाएगा, उनकी ओर नहीं देखते हैं तो फिर हम अपने विवादों का हल कैसे निकाल सकते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के वे अध्यक्ष थे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार भाषा का भी जन्म उन्हीं के हाथों से हुआ था और उसके भी वे अध्यक्ष थे। हिंदी के संबंध में उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार कहा, तो हम यह विवाद क्यों करते हैं। हम अपने देश के समाज का निर्माण जब गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर कर रहे हैं, सारी चीज़ें उस रास्ते पर कर रहे हैं, सारे संसार में हम उनके नाम का ढिंढोरा पीटते आ रहे हैं, तब फिर आज हम क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने हमको राष्ट्रभाषा दे दी है और वह हिंदी है। और यह दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा उसका एक स्मारक है। अतः पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए सभी को राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में जुटकर गांधी जी के सपनों को साकार करना चाहिए। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। यद्यपि यह विधेयक काफ़ी देर से आया, परंतु फिर भी यह दुरुस्त आया, इसलिए मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। उपसभा अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता पूज्य बापू ने हमारे देश की राष्ट्रीयता की अभिनव कल्पना की थी। वह कल्पना सर्वांगीण थी। इस देश के विदेशी दासता से मुक्त होने पर इसका क्या भविष्य होगा, इसकी राष्ट्रीयता का क्या स्वरूप होगा, इसकी राजनीति का क्या स्वरूप होगा, इसका आर्थिक स्वरूप क्या होगा, यह सब उन्होंने इस देश के स्वाधीनता आंदोलन का सूत्रपात करने के साथ साथ मनोकल्पित कर लिया था, और इसलिए उसको साधने के लिए उन्होंने 14 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम रखा था, जिसमें राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार एक मुख्य कार्यक्रम था। उनकी कल्पना में कोई संशय नहीं था कि स्वाधीन भारत की राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय उद्बोधन की और राष्ट्रीय एकता की जो एक भाषा होगी, वह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी होगी। हिंदी को उन्होंने इसलिए नहीं सारे देश के कामकाज की भाषा चुना था कि वह इस देश की प्रसिद्ध भाषाओं में सबसे धनी थी, उसमें साहित्य सबसे ऊंचा रहा हो या कोई दूसरी भाषा इस देश की उससे किसी माने में कम थी, अपितु उन्होंने यह देखा था कि किसी भी स्वाधीन देश में जहां जनतंत्र होगा, जहां हर एक कार्य जनगणना के बहुमत के आधार पर होगा, जहां उस देश में जिसके दो तिहाई जनों की भाषा हिंदी को उसके सिवाय कोई और भाषा चाहे वह कितनी उत्तम और समृद्ध क्यों ना हो, सारे देश के कामकाज की भाषा आसानी से नहीं हो सकती। भाषाओं का चयन उनकी उत्तमता, उनकी योग्यता से नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि
कितने अधिक से अधिक लोग सुगमता से उसको सीखते हैं और उसको बोलते हैं। उसी कल्पना के साथ कांग्रेस के काम में महात्मा गांधी का आंदोलन आरंभ होने से ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हो चुका था और उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा, जिसकी स्थापना का एकमात्र श्रेय उनको था, हिंदी के प्रचार कार्य को स्वयं उन्होंने भारी योग दिया और इन सभी संस्थाओं के वे अध्यक्ष रहे, साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रहे। उपसभापति जी, मेरे मित्र ने जो सुझाव सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और गन्ने की कीमत भी, माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ाने की कोशिश रही है और कुछ बढ़ी भी है। उसके बाद अगर हम तुलना करें तो चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है और 60 लाख टन से भी ज़्यादा हुआ है और जहाँ तक मुझे मालूम है यह और भी आगे बढ़ने वाला है। हमारे सामने अब यह सवाल आता है कि जब देश में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है तो क्या इस पर कंट्रोल रहना चाहिए? यह एक मुख्य सवाल है। इसका जवाब केवल यह कहकर नहीं दिया जा सकता कि कंट्रोल की ज़रूरत है। बहुत से लोग आज कंट्रोल के खिलाफ हैं और जैसा कि मेरे माननीय दोस्त ने कहा कि बुनियादी तरीके से वह भी कंट्रोल के खिलाफ हैं। उनका भी आखिरी लक्ष्य कंट्रोल नहीं है। मुझे डर है कि यह कंट्रोल भी कहीं हिंदुस्तान में इस तरह घर ना कर जाए जैसे कि नज़रबंदी कानून घर कर गया है और उसकी बार बार आयु बढ़ा दी जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी आज इस बात पर प्रकाश डालें कि जब देश में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है तो वह कंट्रोल क्यों नहीं तोड़ देते? क्या उनको इस देश के व्यापारियों पर विश्वास नहीं रहा या किसके ऊपर विश्वास नहीं रहा, यह बताएं।